इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे मुल्क में एक मौजू पर बहस जारी है, आयशा खुदकुशी मामला। खुदकुशी इस्लाम में हराम है, अल्लाह की जान है और अल्लाह ही के रास्ते में उसको खर्च करना है, सर्व करना है। हमें कोई हक नहीं कि हम अपनी जान यानी कि अपने खुद खुशी कर ले, यानी कि अपनी जान को ख़त्म कर ले। लिहाजा ये मौजू ज़ेर बहस है और अक्सर यह देखा जा रहा है कि दहेज एक लानत पर अक्सर बयानात होते रहते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना सलीम नदवी साहब और हाफिज़ नज़ीरुल्लाह साहब, इमाम ख़तीब व इमाम हेडक्वार्टर मस्जिद और कैंप छोटी मस्जिद। लिहाजा आज इन इल्मी दानिशों के साथ हमारी आज की ये नशिस्त है। हमारे सवाल होंगे कि जिस तरह से मौलाना, सबसे पहले आप दोनों का हमारे स्टूडियो में, इत्तेहाद न्यूज़ के स्टूडियो में आपका खैर मकदम इस्तकबाल। सबसे बड़ा सवाल ये है, माशरे के अंदर जिस तरह से बुराई पनप रही है और हर मामले को कहीं ना कहीं मर्दों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, हमारी नज़र में ये भी आ रहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है क्या? क्या महज, यकीनन कहीं कुछ मिसालें हो सकती हैं जहां पर कुछ मर्द होंगे जो दहेज की डिमांड करते होंगे, मुतालबा भी होता होगा, लेते भी होंगे, और इसको कहीं तो कहीं माशरा ज़िम्मेदार है और हम और आप ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जहां एक बेटी को ब्याह कर जब वो किसी दूसरे घर में जाती है तो वहाँ की औरतों का उनके साथ क्या रवैया होता है और किस कदर वो खुदकुशी की तरफ बढ़ती हैं। खैर ये हराम है, ये अपनी जगह पर, लेकिन जिस तरह से हिरासा किया जाता है उसके लिए क्या सिर्फ मर्द ज़िम्मेदार हैं या औरतों के कितना किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा का जो वाकया पेश आया गुजरात में, इस वाकये ने हमारे समाज की असल हकीकत को खोल के रख दिया है कि हमारे यहाँ नमाजी तो बढ़ गए हैं, उम्रा करने वाले, हज करने वाले भी ज़्यादा हो गए, मगर समाज की वो रिवायात और रसूम जो पुराने ज़माने से चल रही थी आज भी हमारे समाज में राइज हैं। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको हम सब ख़त्म करने के लिए एक मिशन चलाएं। मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हज़ारों औरतें जहेज़ के नाम पर ख़ुदकुशी की हैं, जलाई गई हैं, मारी गई हैं। ज़ाहिर है इसके पीछे कई ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदारी जैसे मर्दों की है औरतों की भी है, ज़िम्मेदारी जैसे मर्दों और औरतों की है वैसे ही समाज के लीडरों की, कायदीन की, उलमा की, इन तमाम की ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि समाज में जितनी भी रस्म व रिवाज जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं, इस्लामी तालीमात से नहीं, हमें उनको ख़त्म करने की कोशिश करना होगा। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम ये देखते हैं कि जब कोई लड़की ख़ुदकुशी करती है या बहू जलती है या जलाई जाती है तो फिर बहुत सारे सवालात उठते हैं। उनमें से एक सवाल ये भी उठता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन? ज़ाहिर है इसका कोई एक ज़िम्मेदार नहीं होता, इसके पीछे हमारे माशरे की रस्म व रिवाज भी होते हैं। बाज़ मरतबा ऐसा होता है लड़की की शादी का मौका आता है तो लड़का भी मांगता है, लड़के के माँ बाप भी मांगते हैं। बाज़ मरतबा लड़का मांगने के लिए तैयार नहीं, लड़के का बाप भी मांगने के लिए तैयार नहीं, मगर ख़ानदान की औरतें मुतालबे पर मुतालबा करती हैं कि दिए बग़ैर लिए बग़ैर शादी कैसे हो सकती है। हालांकि इस्लाम में जहेज़ का, लेन देन का कोई तसव्वुर नहीं, यह सरासर हराम है जो जबरन ज़बरदस्ती से लिया जाता है। कुरान मजीद में ख़ुद है, वला तकुलु अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, देखो तुम एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। एक आदमी अपनी ज़िंदगी भर कमाता है, अपनी बेटी को दुल्हन बना के सवार करके तालीम और तरबियत करके किसी और घर को भेजना चाहता है, मगर दूसरे घर वाले उसको अपनी बेटी तो बना लेते हैं, मगर ये सवाल उनके मन में रह रह कर उभरता है, लाई तो क्या लाई,
लाई तो कितना लाई। बाज़ मरतबा ऐसे शरीफ लोग होते हैं जो कहते तो हैं कि भाई आप बस हमारे घर आ जाएं, आप हमारी बेटी, आपसे हम कुछ लेना नहीं चाहते, और माशाल्लाह वो लेते नहीं हैं और बहू बना के लाते हैं। मगर बाद में क्या होता है, उसका शोहर, उसकी सास रोज़ाना ताने देती रहती है कि तू शादी के मौके पर लाई थी क्या। जाहिर है ऐसे ताने और ऐसी तकलीफ़ समाज में बढ़ती रहेगी, खुदकुशियां बढ़ती रहेंगी, बहुएं जलती रहेंगी, बहनें जला दी जाती रहेंगी। हमें यह ज़रूरत है कि हम ये सोचें कि ये इस्लाम में है या नहीं है। अगर इस्लाम में नहीं है तो इस रस्म को हमें ख़त्म करना होगा, मस्जिद के मिंबर से ख़त्म करना होगा। समाज के मस्जिद की जो जिम्मेदारान हैं, जो मंगनियां कराते हैं, शादियों के वक्त दफ्तर तैयार करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये रसूमात को ख़त्म करने की कोशिश करें। हाफिज़ साहब, आप क्या कहेंगे इस जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मुफ्ती साहब जैसे फरमा रहे थे, एक कोई शख्स इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि सारा समाज और समाज का हर तबका इसका ज़िम्मेदार है, उसको सोचना चाहिए। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस कि ऐसे रोंगटे खड़ा करने वाला वाकया पेश आया हमारे समाज में। ऐसे जितने भी वाकयात रोनुमा होते हैं, उसकी वजह जहाँ तक मैं सोचता हूँ, दीन से दूरी और दीनी इल्म से नावाकिफियत की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें या बच्चियाँ या कोई भी हो ऐसे कदम उठा लेते हैं। देखें, जान अल्लाह की अमानत है, किसी को भी ज़ाय करने का हक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस अमल से कितना नाराज़ होता है। अगर सही तौर से वो बच्ची को ये इल्म होता तो वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली हज़ार तकालीफ़ को जो है खंदा पेशानी से बर्दाश्त करती और जो है ऐसा कदम नहीं उठाती। अच्छा, इसके पीछे जो है कई एक अवामिल कारफरमा होते हैं। सबसे पहले जो है बच्चियां हमारी 18 साल, 20 साल, 22 साल अपने जिस माहौल में रह करके वहाँ से एक बिल्कुल अजनबी और नए माहौल में जाती हैं, और वहाँ जा करके उस माहौल में सेट होने के लिए कुछ ना कुछ वक्त दरकार है, कुछ ना कुछ वक्त दरकार है उसके लिए। तो इसको समझना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो ख़ानदान के बुज़ुर्ग शख्सियतें होती हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं। मर्द हज़रात का मामला क्या होता है, दिन भर अपनी मसरूफियात में बाहर होते हैं और वापस आने के बाद घर के ख़वातीन से जो सुनते हैं उसी मुआफिक जो है उनका रिएक्शन होता है। अब इसमें हमारे समाज का और हमारे माशरे का एक जहन ऐसा बना हुआ है कि जैसे कि वो कहावत है कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, हर हाल में खरबूजे का नुकसान, ऐसे ही जो है हर चीज़ का दोष जो है हम मर्द पर लगा देते हैं। मगर देखना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता है कि मर्द बिल्कुल भी बेकसूर हैं, कुछ हैं ऐसे भी जो इस हद तक जो है ज़िम्मेदार हैं ऐसी चीज़ों के, मगर उसके साथ साथ ये हालात कैसे रोनुमा होते हैं इस पर तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। अब मसलन मैं कह रहा था कि 20-25 साल या 18-20 साल, 22 साल जिस माहौल में या जिस अंदाज में वो ज़िंदगी गुजार करके फिर उसके बाद एक नए माहौल में और नए अंदाज से और एक नए घर में जा करके उसको सेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ऐसे में जो है, अच्छा होता क्या है, जैसे ही हमारी बच्चियां ब्याह होकर के क्या है अपने ससुराल जाती हैं, तो ससुराल के बुज़ुर्ग ख़वातीन जैसे कि सास है या बड़ी उम्र के ननदे हैं या जो है जठानियां जो हैं, वो फौरन जो है उनको जो है वो
कसौटी पे परखने लग जाते हैं कि क्या सीखी है, इसका अंदाज क्या है, अतवार क्या है। अरे वो जो अपने घर में क्या थी क्या नहीं थी वो बात अलग चीज़ है, उसको उस अंदाज में परखने के बजाय हम हमारे माहौल के मुआफिक उसको परखने लगेंगे तो उसको कुछ वक्त देना चाहिए। और ये नहीं होता जिसकी वजह से क्या है घर का माहौल बिगड़ जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझदारी से घर के माहौल को पुरसकून रखना और घर के माहौल को सही ये करना, ये घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन की जिम्मेदारी होती है कि वह आने वाली को सही अपने घर के मुआफिक तरबियत दें और उसको समझाएं और कहाँ जो है ज़िंदगी में क्रैशिश आ रहे हैं, कहाँ जो है टकराव का माहौल हो रहा है तो उसको हटा करके ये करें। और दूसरे भी बहुत से अवामिल होते हैं इसमें, उन तमाम को ध्यान रखना है। और कोई भी एक बुराई एक वजह से नहीं होती है, हज़ारों वजूहात होते हैं और इसको जो है कोई एक से या एक तंजीम से या एक शख्सियत से या एक इदारे से ऐसी बुराइयाँ जो है ख़त्म होने की उम्मीद नहीं है इनके ज़रिए से, बल्कि माशरे के हर शख्स को कोशिश करना चाहिए। नहीं नहीं, आपने जैसे कहा कि मर्द तो बाहर रहते हैं और वो कामों के ज़रिए से, अक्सर ये देखा जाता है और उमूमन हमने रिपोर्ट भी देखी है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये एक देखा जा रहा है। तो इसलिए इस लिहाज से माशरे में, क्योंकि आप गोया उलमा हैं और मिंबर रसूल से आप खिताब भी फरमाते हैं, तो सिर्फ मर्दों को ही ज़िम्मेदार ठहराने की बार बार जो है बयानात वगैरह होते हैं, या घरों के अंदर जो माँ है, ननंद है, बहन है, जो भी औरतें, इन ताल्लुक से जो है ये रोशनी नहीं डाली जाती, इस पर क्या कहेंगे? मैं अभी वही कह रहा था कि माशरे का जो है ना जहन ऐसा बन गया है कि वो खरबूजा छुरी पे गिरे क्या, छुरी खरबूजा पे गिरे क्या, नुकसान तो जो है खरबूजे का ही हो रहा है, जैसा मर्द की यह कैफियत और यह हालत हो गई है। मैंने बताया ना कि सिर्फ मर्द ही ज़िम्मेदार नहीं होता है, घर के बुज़ुर्ग ख़वातीन अगर घर के माहौल को इस हद तक जो है वो क्या कहते हैं कि गर्मा दिए, तो ऐसे ही जो है ना वाक़ियात और ऐसे ही हादसात पेश आते हैं, जैसा कि अहमदाबाद की वो जो बच्ची आयशा इतना बड़ा कदम उठाई है। तो इसके पीछे जो है ना कहीं ना कहीं जो है घर के औरतें भी ज़िम्मेदार हैं उसकी, उनको भी सोचना चाहिए। तो उनको इनको उनका तो ज़्यादा हिस्सा होता है उसको, कि जो भी औरतों में मामलात हुए हैं वो औरतों में ही रख करके उसको सही तौर से हैंडल करना, और जो है वो मियाँ बीवी में या बहन भाइयों में या दीगर और भवें में या जो है भावज ननद में या जितने भी नाजुक रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों के दरमियान में जो है नाचाफी पैदा हो जाए, ऐसे कोई जो है बात ना होने पाए, इसकी ज़िम्मेदार औरत ही होती है। अगर ये ज़िम्मेदारी नहीं हो रहे हैं तो आपका कहना वजह है कि औरत की ही दुश्मन है। जनाब अभी जैसे कहा कि माशरे के अंदर जिस कदर बुराई फैल रही है, बढ़ रही है, इल्म की आड़ में भी कई सारे चीज़ें, इल्म रोशनी यकीनन है, लेकिन जिस कदर औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश की जा रही है, सीखना ज़रूरी है, इल्म तो सीखना, लेकिन अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि तालीम दीन से करे दूर तो तालीम भी फितना, तो ये किस हद तक, क्या ये आज के माहौल में दौरे फितन में लड़कियाँ महफूज हैं? इस्लाम एक पुरसकून और ख़ूबसूरत ज़िंदगी हम सबको सिखाता है, उसमें मर्दों के लिए भी ख़ूबसूरत ज़िंदगी है, औरतों के लिए भी ख़ूबसूरत ज़िंदगी है। ये हमारे ऊपर है कि हम इस्लाम पर कितना चल रहे हैं। तो ये जो कुछ हालात और हादसात पेश आ रहे हैं, इसके असल ज़िम्मेदार हम खुद हैं, हमारा समाज है, हमारे रीत रिवाज हैं, इस्लाम इसके पीछे कुछ नहीं। इस्लाम तो प्यारी ज़िंदगी सिखाता है, इसी के इस्लाम छोड़ने का ये नतीजा है कि ये हमारे दरमियान नुकसानात पेश आ रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ और इत्तेहाद के ज़रिए कौम को पैगाम देना चाहूँगा कि ये रीत रिवाज और रस्म रिवाज से कितने बड़े नुकसानात हो रहे हैं। ये जहेज़ जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, जब जहेज़ का रिवाज समाज में होता चला जाएगा तो एक बच्ची पैदा होने से पहले बाप सोचेगा कि मेरे लिए लड़का पैदा हो रहा है या लड़की पैदा हो रही है। अगर लड़की पैदा हो रही है तो वो पहले तो सोचेगा भाई इसको इसकी माँ के पेट को ही कब्र बनाया जाए, दफन कर दिया जाए।
ऐसे हालात आज आए हुए हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा नुकसान ये पेश आ रहा है कि जब बच्ची पैदा होती है तो पहले दिन से ही बाप को ये फिक्र हो रही है कि भाई 20 बरस के बाद मुझे अपनी बच्ची का निकाह करना है, जहेज देना है, मैं कैसे दे सकूँगा, उसे दुल्हन बनाकर कैसे भेज सकूँगा। उसके लिए वो हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर सारा पैसा बटोर रहा है, जमा कर रहा है और दे रहा है। लोगों को कहा जाए जहीज हराम है तो लोग दलील देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को जहेज में चंद चीज़ें दी थी। समझने की बात यह है कि हुजूर ने जो दिया था उसके पीछे रिवायतें हैं। एक रिवायत ये भी है कि हुजूर ने हज़रत अली को पूछा था कि आपके पास क्या है, आप मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हैं, आपके पास क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कुछ तो होगा। उन्होंने कहा मेरे पास ज़ेरा है, मेरे पास तलवार है, मेरे पास ऊँट है। आपने फरमाया ऊँट तो सफ़र के लिए रख लो, तलवार तो ज़रूरी है एक मोमिन के लिए, उसे तो रहना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में निकलना है, जुल्म का खात्मा करना है, ज़ेरा है तुम उसको बेच दो। चुनांचे उन्होंने अपनी ज़ेरा बेची। रिवायतों में है एक रकम उसका अल्लाह के रसूल ने सामान जमा करने में लगाया और एक रकम से उस रकम से आपने मेहर अदा किया। जाहिर है ये भी रिवायतों में है कि हुजूर ने जो हज़रत आयशा को दिया वो हज़रत अली को अपनी किफ़ालत में रखने की वजह से दिया। वैसे तो हुजूर ने ये भी फरमाया था कि अपनी औलाद के दरमियान मुसावात और बराबरी करो। हुजूर ने अपनी और भी दूसरी बेटियों के निकाह किए, किसी एक और बेटी के निकाह में कुछ नहीं दिया। क्या माना कि हुजूर तो बराबरी करने वाले हैं, हुजूर नऊज़ बिल्लाह किसी पर नाइंसाफ़ी करने वाले नहीं। हुजूर ने हज़रत फ़ातिमा को दिया हो, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब को न दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। हुजूर ने जो हज़रत अली को हज़रत फ़ातिमा के महर में जो कुछ दिया था रिवायतों में है या तो ज़िम्मेदारी की वजह से, कफालत की वजह से दी थी कि हज़रत अली को ख़ुद हुजूर पालते थे, या तो ख़ुद हज़रत अली के पैसों से वो दिया गया था। इससे मालूम हुआ कि आज लेन देन का जो कुछ तरीक़ा राइज है ये बिल्कुल गलत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इस बारे में और भी समाज में अवेयर लाने की ज़रूरत है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम उम्मत के नाम और कौम मुस्लिम के नाम के हालात को अच्छी तरह से समझें, देखें। हर शख्स ये कोशिश करे कि ऐसे मुश्किल हालात और ऐसा वक्त हमारी बच्चियों पर ना आए, और जहाँ तक मुमकिन हो सके रस्म और रिवाज के झमेलों में पड़ करके जो अपनी ज़िंदगी को अजीरन बना रहे हैं और हमारे आने वाली नस्ल के ज़िंदगियों को भी अजीरन बना रहे हैं, तो इसे जहाँ तक हो सके आज से ही अगर इसकी कोशिशें शुरू की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और माशरे का हर शख्स इस कोशिश में लगा रहे। एक किससे ज़िम्मेदारी उलमा ही बोलते रहें या जो समाज के ज़िम्मेदार हैं वही कोशिश करें, ऐसा नहीं है, बल्कि हर फर्द इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। तो ऐसे बुरे रस्म व रिवाज को ख़त्म करने के लिए जो है हर एक को कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे दो मेहमान खुसूसी जिन्होंने बड़े यानी शरई तौर पर दीनी अंदाज में, दीनी पस मंज़र में ख़ुदकुशी किस कदर हराम है, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है और तमाम माशरे को किस कदर इसके लिए जद्दोजहद करनी होगी। हमारा ये आज की नशिस्त आज यहीं पर ख़त्म होती है। हमारी जल्द दूसरी नशिस्त में हम वकलाओं को बुलाएंगे जिसमें सूरत में 127 नौजवानों को सीमी के तहत 19 साल बाद रिहा किया गया, उनकी ज़िंदगी के उन 19 साल के बारे में हम जल्द वकलाओं को यहाँ पर बिठाकर उनसे भी जो इस तरह की एक नशिस्त मुनक्कद करेंगे, उनसे राय मशवरा लेंगे और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।